गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मोशन चैप्टर का ये फिफ्थ लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लगभग चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली है, एक आध टॉपिक और बाकी है। सो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और उसमें कोई ज़्यादा खास न्यूमेरिकल्स नहीं है। सो सिंपल पहले जो अपने न्यूमेरिकल किए उनसे सिंपल तरह के एक्सरसाइज में दे रखें, सो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कम्प्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। वॉट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। एक एथलीट एक सर्कुलर राउंड के जो ट्रैक है उसके ऊपर रन कर रहा है और उसने 40 सेकेंड के अंदर एक राउंड पूरा किया है। मतलब सपोज ए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सर्कुलर राउंड है, अगर डायमीटर 200 दे रखा है तो रेडियस 100 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 40 सेकेंड के अंदर मतलब ए से वापस ए पे वो एक राउंड पूरा कितने में कर रहा है, 40 सेकेंड में कर रहा है, ठीक है। और एक राउंड पूरा करने में उसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, पहले तो वो बात करते हैं। अपन को टाइम पूछा है 2 मिनट्स और 20 सेकेंड के बाद वो कहाँ पर होगा और उस वो कितनी डिस्टेंस और डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। जैसे डिस्टेंस की बात करें, जब वो ए से घूम के वापस एक राउंड इस पर आएगा तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस विल बी 2πr, क्योंकि पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस घूम जाएगा, वो एक राउंड निकालेगा ना, सर्कमफेरेंस के अलोंग वो एक राउंड पूरा करेगा। सो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 2πr। सो फॉर वन राउंड t इज इक्वल टू 40 सेकेंड, तो डिस्टेंस की बात करें डिस्टेंस होता है 2πr। 2πr इज इक्वल टू 2 की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू 3.14 और 100 हमारे पास में उसका रेडियस, क्लियर। डिस्टेंस की बात करें डिस्टेंस है 628 मीटर। कैसे आया ये अपन ने कैलकुलेशन कर ली सॉल्व, 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 314 हो जाएगा, 314 को डबल कर देंगे तो 628 मीटर हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हमने बात की अगर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम फिर के अपनी जगह पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0, बिकॉज फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन दोनों एक हो जाएगी इसके लिए, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, अब देखिए हमको टोटल टाइम कितना गिवन है, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। अच्छा इनको सेकंड में चेंज करते हैं, तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड को सेकंड में चेंज करेंगे पूरा, तो 2 मिनट के अंदर कितने सेकंड हो गए, 120, 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 140। मतलब वो 140 मिनट तक जब तक दौड़ा तब तक उसने कितना कवर किया, वो हमको फाइंड करना है। तो अगर देखिए वन राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड्स लग रहे हैं, तो आप सिंपली अगर 140 को 40 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा। मतलब कि वो 140 सेकंड के अंदर 3.5 राउंड कंप्लीट कर रहा है, 3 राउंड पूरे कंप्लीट कर रहा है। मतलब ए से घुमा, ए पे आया वापस, इस तरह से 3 राउंड कंप्लीट करके और फिर हाफ राउंड कंप्लीट करेगा। हाफ राउंड कंप्लीट करेगा तो वो कहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट ए के अपोजिट साइड में आएगा, बी पर। और ये स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ क्या है, डायमीटर है, डायमीटर है कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, डायमीटर कितना है 200, तो 200 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस तो जितना पाथ कवर किया है टोटल वही डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक पाथ कवर करने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, 628। एक राउंड क्लियर करने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, 628। तो 3 राउंड को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 628 × 3 प्लस हाफ राउंड कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, 314। सो इन सभी को ऐड कर लेंगे, हमारे पास में 2198 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 200 मीटर। क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। भले वो 50 चक्कर निकाले, भले 100 चक्कर निकाले, लेकिन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, फाइनल इनिशियल पे, उन दोनों के बीच कितना सेपरेशन है उससे डिसाइड हो जाएगा। क्लियर चीज है, बहुत सिंपल आसान है, एक न्यूमेरिकल है इस पे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे। इसके और भी बहुत तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कि ये पार्क सर्कुलर दे रखा था कोई ट्रैक, अगर इसकी जगह पे आपको स्क्वायर ट्रैक दे रखा हो तो भी एक ही बात है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एवरेज वेलोसिटी का इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले किया है, फिर भी एक देख लेते हैं। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप्स।
भाई अब्दुल नाम का बच्चा है, वो होम से घर स्कूल से घर जा रहा है, घर से वापस होम आ रहा है, दो तरह की चीजें। अब जब वो होम से स्कूल जा रहा है तब उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मॉर्निंग का टाइम ट्रैफिक होगा शायद, और जब वो रिटर्न आ रहा है तो उसको तो उसकी स्पीड बढ़ गई कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको पूछा है कि इस पूरी ट्रिप के दौरान पूरा राउंड निकालने में इसने इसकी एवरेज स्पीड क्या रही। तो सबसे पहली बात करते हैं भाई, होम से स्कूल की डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी क्योंकि उसने रूट चेंज नहीं किया, रूट चेंज नहीं किया, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि डी है। सो द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इज डी, लेट हमने मान लिया। अब हमने पहले बात की है कि जिस भी चीज को आप लेट करते हो मानते हो वो लास्ट के अंदर या तो एलिमिनेट हो जाएगी या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात कर, टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले तो गया तो डी डिस्टेंस कवर की, वापस स्कूल से रिटर्न आएगा फिर भी डी डिस्टेंस कवर करेगा, तो डी प्लस डी इज इक्वल टू 2D। क्लियर, अब अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना, सपोज जाने के टाइम को टी मान लेते हैं घर से स्कूल के, और स्कूल से वापस घर आ रहे तो अपन क्या मानते हैं, टी टू मान लेते हैं। तो टी वन प्लस टी टू विल बी द टोटल टाइम, वैल्यू रख लेते हैं। अब टी वन टी टू फाइंड करना, देखिए टी वन टी टू हमने पहले ही बात की, जैसे कि हम स्पीड की बात करते, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमको टाइम निकालना था तो हम किस तरह से करते थे, डिस्टेंस वेलोसिटी को स्पीड को नीचे ले लेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। उसी तरह से पहले वाले की देखिए, जब वो जा रहा है तब उसकी डिस्टेंस कितनी है, डी, और स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आ, तो डी बाय 20 किलोमीटर क्या हो जाएगा, जाने का टाइम, तो डी बाय 20। इस तरह से रिटर्न आ रहा है तो टाइम क्या है, टी टू, और टी टू को कैसे फाइंड करेंगे, जाने में कितनी डिस्टेंस लग रही है डी, और स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आ, सो डी बाय 30। क्लियर, सो इक्वेशन 1 एंड 2 अपने बारे में आ गई, 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर T1 T2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सो T1 T2 की वैल्यू पुट करने पर वी एवरेज इज इक्वल टू 2D अपॉन डी बाय 20 प्लस डी बाय 30। अब ये LCM अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, डी नीचे वालों में से डी कॉमन लिया, सो डी से डी कैसे आउट हो जाएगा, 2 ऊपर पड़ा है। अब 1/20 प्लस 1/30 का LCM लेना है। अब 1/20 प्लस 1/30 का LCM किस तरह से लेते हैं, हम LCM लेते हैं तो नीचे 20 और 30 का LCM क्या आएगा, 60 आएगा। क्लियर, क्यों 60 आएगा, क्योंकि 20 से भी 60 डिवाइडेड है और 30 से भी 60 डिवाइडेड है इसलिए। ठीक है ना, आप 30 लोगे तो 20 से डिवाइड नहीं होगा, 20 लोगे 30 से डिवाइड नहीं होगा, LCM तो आता है। अब 20 से 60 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, 3 × 1 इज इक्वल टू 3, जो बीच में साइन उसको ऐसे कैसे लिखो। अब 30 को 60 से डिवाइड करो कितना है, 2, और 1 पहले से ऊपर है तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2, सो 5/60। क्लियर, 5/60 सॉरी, समझ गए, इस तरह से LCM करते हैं। सो 2 अपॉन LCM ले लिया यहाँ से, तो 3 + 2 डिवाइड बाय 60, 60 ऊपर चला जाएगा, 2 × 60 डिवाइड बाय 5, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो वी एवरेज हमारे पास पूरी ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 22 किलोमीटर पर आवर। एक और ट्रिप की बात कर लेते हैं, मैं ट्रिप की बात कर लेता हूँ कि जब भी आपको किसी भी रूट की एवरेज वेलोसिटी पूछे ना, वो एवरेज वेलोसिटी हमेशा मिनिमम वाले से थोड़ी सी ज्यादा होगी, कैसे, या फिर बीच की वेलोसिटी होगी कैसे, जैसे कि यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी है 20 और मैक्सिमम कितनी है 30, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच एवरेज वेलोसिटी आएगी। सपोज आप NTSC ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम देते हैं और वहां ऑप्शन के अंदर इस तरह का आपको दिखता है कि कुछ वेलोसिटी है जो 30 के बाहर दे रखी है, कुछ वेलोसिटी 20 के अंदर दे रखी है, तो वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आप शायद डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि 20 और 30 के बीच में एवरेज स्पीड होगी, क्यों, क्योंकि एवरेज स्पीड जाने की मिनिमम 20 थी और आने की मैक्सिमम 30 थी, तो ना तो 30 से ऊपर उसकी एवरेज स्पीड जा सकती है और ना उसकी 20 से नीचे एवरेज स्पीड जा सकती है। क्लियर है, ठीक है, छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 m/s² फॉर 8 सेकेंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग द टाइम। भाई ऐसी कोई लेक है, उस लेक के ऊपर कोई मोटर बोट ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट पाथ में, और उसका जो एक्सेलेशन दे रखा है 3 m/s² दे रखा है और 8 सेकेंड का टाइम दे रखा है। हमको पूछा है कि वो 8 सेकेंड के बाद कितनी दूर तक चलेगी, मतलब उसने कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डायग्राम देख लीजिए, लेक के ऊपर अपने बना लिया बोट को, अब वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड किया करें, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपका 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है,
आंसर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं किया है, रेस्ट पे ध्यान नहीं दिया है, तो यहाँ वेलोसिटी में कुछ पुट करोगे, फिर आप सॉल्व करोगे, गलत कर लोगे बेटा। इसलिए आप क्वेश्चन को रीड कर रेस्ट दे रखा है। रेस्ट का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो। अब वो इनिशियल वेलोसिटी से कुछ स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 8 सेकंड बाद वो किसी अदर प्लेस पे गया, स्ट्रेट पाथ पर, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस मान लिया, ठीक है। अब गिवन चीजें क्या क्या, यू हमको दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना 8, एक्सेलरेशन हमको दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। अब देखिए ये सारी चीजें गिवन है, कौन सी चीज की बात नहीं की, फाइनल वेलोसिटी। हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन होंगे सारे मैकेनिक्स के, आपको पांचों में से जो चार दे रखे हैं और जो फिफ्थ वाला ऑप्शन नहीं दे रहे, जो नहीं दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या टाइम, इन चारों में से जो एक नहीं दे रखा है उससे डिसाइड होगा कि आपको इक्वेशन कौन सी काम में लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं की और ना उसको पूछा है, तो फाइनल वेलोसिटी की दोनों इक्वेशन हम काम में नहीं लेंगे, सिर्फ सेकंड वाली इक्वेशन काम में लेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हम फाइनल वेलोसिटी नहीं होने के चांस में काम में लेते हैं, ठीक है ना। सो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो यू इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू 8, हाफ ए की वैल्यू 3 और टी स्क्वायर का कर देंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 0 एज इट इज, सॉल्व आउट करेंगे 96 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। वर्टिकल मोशन के अंदर आपको बताया था मैंने कि अगर एक बॉल, चीजों का ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में हम इस तरह के क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन के अंदर हम रेस्ट वगैरह का ध्यान रखते हैं, वैसे ही जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरह थ्रो किया गया है या फिर ऊपर से ड्रॉप किया गया या थ्रो किया गया, ये सारी कंडीशन अलग अलग है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज सरफेस से कुछ हाइट पर है और उसको नीचे ड्रॉप किया गया है, इट मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। जैसे कि वो ड्रॉप कैसे भाई, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेन का कैप है, तो उसको ऐसे ड्रॉप किया, मतलब मैंने कोई उसको स्पीड नहीं दी, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, फोर्स नहीं लगाया तो वेलोसिटी नहीं मिलेगी, तो वो सीधा वो ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन मैंने उसको कोई एक्स्ट्रा स्पीड नहीं दी। लेकिन अगर यही जो कैप है इसको मैं थ्रो करूं नीचे की साइड, तो मैं उसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ दूंगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई हाइट पर ऑब्जेक्ट होता है और उसको आप थ्रो करते हैं नीचे की साइड में, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, लेकिन अगर आपको आपने उसको ड्रॉप किया है तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती, मतलब वो जीरो इनिशियल वेलोसिटी से जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि वो रेस्ट से छोड़ा गया है, लेकिन वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की ओर आता है और एक्सेलरेट होता है, ठीक है। उसी का क्वेश्चन है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नहीं भी दे रखा होता तो भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितने ही मास का हो, वो अगर अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है तो उसके पास एक ही तरह का एक्सेलरेशन होगा, वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, मैंने बताया पिछली बार, और वो कितना होता है, अराउंड 10 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। सो विथ व्हाट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी के साथ, एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम बाद वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को और कौन सी वेलोसिटी से करेगा, ठीक है। देखिए एक बॉल हमने बना लिया, 20 मीटर की हाइट है, अब 20 मीटर की हाइट से इस बॉल को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप मतलब छोड़ा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि उसको ड्रॉप किया। अब वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की ओर आ रहा है, तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तब वो कितनी स्पीड से करेगा, वो पूछा है आपको। तो कुल मिला के आपके पास इनिशियल स्पीड पड़ी है, फाइनल स्पीड आपको पूछा है, और हाइट आपके पास में पड़ी है 20, और आपके पास में क्या एक्सेलरेशन है, तो देखिए गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, क्लियर, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हमको फाइनल फाइंड करने और टाइम हमको फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी फाइनल फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए, अब आप एक बार के लिए टाइम को भूल जाइए, आपके पास चार तरह की चीजें हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, एक्सेलरेशन। अब सोचिए कि कौन सी इक्वेशन हमको लगानी है, थर्ड वाली इक्वेशन, क्यों, क्योंकि थर्ड वाली इक्वेशन में टाइम की बात नहीं की, तो थर्ड वाली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाली, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना 0, 0 का स्क्वायर 0, 2a दे रखा है 10 और s दे रखा है 20, सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 400। अब यहाँ स्क्वायर है
स्क्वायर को जब इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 को बोलते हैं अंडर रूट, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट 400, और 400 किसका अंडर रूट होता है, 20 का, मींस 20 इनटू 20 क्या होता है 400, तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल स्पीड आ गई जिससे वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अब वो कितने टाइम बाद स्ट्राइक करेगा उसके लिए देखिए, अब कोई भी इक्वेशन लगा लीजिए क्योंकि सारी क्वांटिटी फाइंड हो चुकी है, तो आप तीनों में से कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं। फर्स्ट वाले सबसे ईजी है तो वो लगा लेते हैं, फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन टू टाइम। तो यहां से वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, हमको टी फाइंड करना है तो टी की इक्वेशन निकालेंगे, यू को इधर ला लेते हैं और ए को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, वी माइनस यू बाय ए, क्लियर है। टाइम की बात करें, टाइम कैसे आएगा, फाइनल वेलोसिटी 20 अभी मैंने फाइंड किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइड बाय टाइम 10, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। अच्छा, अब अगर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आपको ऐसे बोले कि ड्रॉप ना करने की बजाय इसने थ्रो किया ऊपर से, तो क्या चेंज हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जो भी आपको दे रखी है वो देगा इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी दोनों अननोन नहीं होती है, कोई भी एक आपको देगा, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको कुछ देगा तो वो जीरो की जगह सपोज की कुछ भी हो, 20 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, बात समझाई। और बाकी पूरा प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा जैसे आपको क्वेश्चन में भी करवाया गया है, क्लियर। तो अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन क्वेश्चन में आता है तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, उसको ट्राई जरूर करें। बाकी के न्यूमेरिकल्स ग्राफ बेस्ड है, उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे, अभी तक ग्राफ भी समझाना है, तो ग्राफ वगैरह की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।